दोस्तों, आपके पास किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन है और उसमें आपका जो गूगल क्रोम है वो अपडेट नहीं हो रहा है और आप उसे बार बार अपडेट कर रहे हैं फिर भी अपडेट नहीं हो रहा है, वो पेंडिंग प्रॉब्लम दे देता है, कभी तो कूडेंट रिफ्रेश दे देता है या वहाँ पे वेटिंग फॉर वाईफाई देता रहता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो पेंडिंग की ही आती है। इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊँगा आप अपने क्रोम ब्राउज़र को बिल्कुल आसान तरीके से कुछ ही समय में अपडेट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, कैसे अपडेट करना है। तो एक चीज़ आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, क्रोम ब्राउज़र को अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इस पर हो जाते हैं, इसलिए आप इसे अपडेट रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा आपको अपने मोबाइल से इस तरीके यानी कि प्ले स्टोर से बाहर आना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल का जो पावर वाला बटन होता है उसे आपको दबा के रखना है और अपने फ़ोन को यहाँ पे रीबूट या फिर यहाँ पे आपके फ़ोन में रीस्टार्ट का ऑप्शन हो सकता है, वो आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद ऑटोमेटिक आपका फ़ोन ऑन होगा। उसके बाद आप जाएंगे अपने मोबाइल की सेटिंग के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये देखो मैं सेटिंग के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको ढूंढना है ऐप्स, ठीक है, या फिर आपके फ़ोन में हो सकता है ऐप मैनेजमेंट। जैसे कि मेरे फ़ोन में ऐप्स है तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं जैसे कि ऐप लिस्ट हो सकता है या मैनेज ऐप हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैनेज ऐप्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है प्ले स्टोर। ठीक है, क्या ढूंढना है, प्ले स्टोर। अगर ये आप कर चुके हैं फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं वो भी तरीका आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर पर आप क्लिक करेंगे, इसका आप यहाँ से क्लियर कैच कर दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे आप इसे फोर्स स्टॉप कर दीजिए और यहाँ से आप इसे क्लियर डाटा भी इसका कर देंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम भी आपकी नहीं होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लियर डाटा फोर्स स्टॉप वगैरह इसका सब कुछ कर दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बैग चलूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से बैग आऊँगा अब आपको सिंपल से क्या करना है, अपने प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा बहुत आपका हैंग हो सकता है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसका क्लियर डाटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऊपर सर्च करना है, यहाँ पे आपको ऐप्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप ऊपर सर्च करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखो यहाँ पे अपडेट है, तो यहाँ पे अपडेट पे हम क्लिक करेंगे। देखो यहाँ से अपडेट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका होने लगा है तो अच्छी बात है, यहाँ पे होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में, यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है। जैसे 86 MB का अपडेट है तो यहाँ पे ये देख सकते हैं अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। 99% पे कट जाता है लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 99% हो चुका है और ये इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे आपके फ़ोन में अगर रैम मैनेजमेंट आपका खाली नहीं है तो यहाँ पे अपडेट का इशू थोड़ा आपको देखने को मिल सकता है। आपके फ़ोन में कोई अदर एप्लीकेशन है फालतू का तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए क्योंकि वो स्टोरेज घेरे हुए है रैम वाला। ठीक है, और आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा यानी कि अपडेट हो जाएगा फाइनली, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं पूरा आपको क्लियर करके, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइनली अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बिल्कुल बैक जाऊँगा। अब आपको ये चेक करना है आपका अपडेट कौन सा आया, तो क्रोम ब्राउज़र को आपको सेलेक्ट करेंगे, दबा के रखेंगे, एन फाइव ऐप इनको खुल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे वर्जन आपका यहाँ पे इस तरीके से ये वर्जन होगा, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं यहाँ जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे है 101.0.49510.51। ये अगर आपका ये अब इससे ऊपर का अपडेट है, ठीक है, इससे नीचे का अपडेट नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर का होना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल मैं इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद।